हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एसीबी पिछले काफी लंबे समय से ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में जोधपुर टीम ने बाड़मेर के गुड़ा मनाली उपखंड अधिकारी सुनील कुमार को अपने सरकारी ड्राइवर के मार्फत 10,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा है, जिसके बाद एसीबी ने गुड़ा मलानी एसडीएम और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। जोधपुर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिपाटी पप्पू राम वकील एडवोकेट ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने बताया कि मेरे मूल वकील पोपट राम के खसरा संख्या 11 में विरुद्ध अपराधी गण अर्जुन सिंह वगैरह में राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा का वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा लेने हेतु एसडीएम गुड़ा मलानी सुनील कुमार की ओर से स्टे देने की अवज में रिश्वती राशि की मांग की गई। शिकायत के बाद एसीबी ने रिश्वती राशि का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, जिसके बाद शुक्रवार को ट्रक की कार्रवाई करते हुए बाड़मेर की गुड़ा मलानी उपखंड अधिकारी सुनील कुमार को उनके सरकारी ड्राइवर दुर्गा राम के मार्फत 10,000 की रिश्वत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है। थानेदार तहसीलदार पर हो चुकी है कार्रवाई। गौरतलब है कि एसीबी ने बाड़मेर जिले में पिछले एक महीने भर में सबसे पहले इसी इलाके के थानेदार, उसके बाद सिवाना में तहसीलदार और अब गुड़ा मलानी उपखंड अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की ओर से लगातार बाड़मेर जिले में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद से ही भ्रष्ट अधिकारी खौफ के साए में जी रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके से बाड़मेर जिले में भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनता परेशान है, मजबूरन उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। अब एसीबी की ओर से कार्रवाई के दौर के बाद यहां के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम इकबाल की रिपोर्ट।